देखो, चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 है आपके पास। हम आज करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले हम कर लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। अगर होमोजीनियस फंक्शंस आपको पता होंगे क्या होते हैं, तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं पहले, फिर मैं उसे क्लियर करूंगा। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, इसे मैं होमोजीनियस फंक्शन कहूंगा ऑफ डिग्री एन। ठीक है, किस डिग्री का, एन का। इफ ये कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल होना चाहिए, वे लैम्डा इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, वे लैम्डा इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये है मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, इसे मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। ठीक है, ये सिम समझ में आ गई। आपने ये करना है, अगर आपके पास मान लो कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो आपने चेक करना है एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ठीक है, ओके, तो वाई से प्लस वाई लैम्डा वाई, तो लैम्डा वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स की जगह क्या जाएगा मेरे पास, लैम्डा एक्स, और वाई की जगह लैम्डा वाई। नाउ विच इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस टू लैम्डा स्क्वेयर एक्स वाई, क्या कॉमन आ गया, लैम्डा स्क्वेयर कॉमन है तो वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई, एंड विच इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर, ये है क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसे मैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूं। अब इसे कंपेयर करो इसके साथ, ये देखो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई, ठीक है, लैम्डा की पावर एन, हाँ कॉमन, एफ ऑफ एक्स वाई, हाँ इसी फॉर्म में आ रहा है, तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन जिसकी डिग्री क्या होगी, टू। ये होमोजीनियस फंक्शन था, लैम्डा की पावर एन है तो एन डिग्री का, यहां लैम्डा की पावर टू आ रही, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। ये चीज समझ में आई, ठीक है, लग गया पता। ठीक है, जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ठीक है, अगर ये मेरे पास लैम्डा की पावर एन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया, तो मैं कहूंगा ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो ये कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कट गया, विच इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स, एंड ठीक है कॉस वाई अपॉन एक्स, इससे बाहर में लैम्डा की पावर जीरो लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो देखो मेरे पास एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई किसके इक्वल आना है, लैम्डा की पावर जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल आना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है, हाँ। तो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, ये चीज आई समझ में। ठीक है, तो ये तो मैंने वो एग्जाम्पल लिया जो आपके पास होमोजीनियस फंक्शन थे। अब मैं एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लूंगा जो होमोजीनियस फंक्शन ना हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अभी देखो, जैसे मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ओके, तो नाउ एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई मुझे निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो ये क्या जाएगा, साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। ठीक है, देखो जिसे मैं लैम्डा की पावर जीरो बाहर लिख सकता हूं, ऐसे अंदर तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा बाहर तो आ नहीं सकता, ये एंगल के साथ है तो लिख सकता हूं। पर ये देखो कंपेयर करो इसे, इस चीज को मैं एफ ऑफ एक्स वाई नहीं लिख पा रहा, जैसे मैंने यहां पर इसे लैम्डा लेकर एफ ऑफ एक्स वाई लिख लिया था,
लेकिन इस चीज को मैं f(x, y) नहीं लिख पा रहा हूं, विच इज नॉट इक्वल टू लैम्डा की पावर n f(x, y). ये इस टाइप का नहीं बन रहा है, यहां तो बन गया था लेकिन यहां f(x, y) नहीं बन रहा है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो ये होमोजीनियस ठीक है फंक्शन नहीं होगा। आया समझ में? तो किसे हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे, किसे हम होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। तो जब भी आपको होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए आएगा तो आप इस तरह से चेक करोगे। ओके, अब देखो एक मेथड हो रहा है जहां से हम बता सकते हैं कि वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अब उसकी डेफिनेशन देख लो, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। देखो देखो, और हम कैसे बता सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, देखो जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर आप इसको एक्स की पावर एन जी ऑफ ठीक है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख लो, या तो फिर वाई की पावर एन एच ऑफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिख लो। देखो एक्स बाहर है तो वाई ऊपर आ रहा है, वाई बाहर है तो एक्स ऊपर आ रहा है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिख लो तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। आ जाओ, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, नाउ विच इज इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, देखो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो आपने वो ही लेना जो मैक्सिमम पावर है, एक्स की पावर वन वाई की पावर वन टू, वाई की पावर टू, तो आपने स्क्वायर में बाहर लेना है। ठीक है, अगर थ्री होगा पावर में थ्री बन रहा होगा तो आपने एक्स की पावर थ्री कॉमन लेना है। ठीक है, प्लस टू वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या इसे मैं लिख सकता हूं जी ऑफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन लिख सकता हूं। ठीक है ना, देखो एक्स कॉमन वाई तो एक्स और वाई की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जब x का फंक्शन होता है आपके पास तो आपके पास कुछ जो भी फंक्शन आता है तो x की फॉर्म में आता है। अब ये मेरे पास y upon x की फॉर्म में है तो मैं g of y upon x लिख सकता हूं, this is a function of g y upon x, this is a function of y upon x, तो g of y upon x लिख सकता हूं। ठीक है, g लिख लो या z लिख, g लिख लो, h लिख लो, k of y upon x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू, x की पावर क्या है मैक्सिमम टू, दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। अब आ जाओ इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यानी कि मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहां तो x कॉमन था यहां y, तो y स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से y स्क्वायर कॉमन लेते क्या बचेगा, वन प्लस टू एक्स अपॉन y, तो ये तो y स्क्वायर आ गया, तो ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, y अपॉन x की फॉर्म में आ रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं कि ये एच ऑफ एक्स अपॉन वाई का फंक्शन है, लिख सकता हूँ, कंपेयर करो बन रहा है। तो यानी कि देखो दोनों तरीके से होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है, तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। ये चीज समझ में आई, हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं शो करने के होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा इस वे से भी हम बता सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। आओ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक होमोजीनियस फंक्शन क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे। ओके, आ जाओ, जैसे मेरे पास था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो क्या इसे मैं एक्स की पावर जीरो, देखो वाई अपॉन एक्स है तो एक्स बाहर आएगा, तो एक्स की पावर जीरो cos y upon x लिख सकता हूं, क्योंकि x की पावर 0 is 1, तो ये क्या गया, x की पावर 0 g of y upon x लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करो बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, पीछे भी हमने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक एग्जांपल ये था f of x comma y is equal to sin x plus cos y, अब इसमें हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो इसे मैं x की पावर 0 तो लिख सकता हूं बाहर, या y की पावर 0, पर अंदर से आप इसे x अपॉन y या y अपॉन x नहीं बना सकते, ये एंगल है, तो एंगल में x अपॉन y, दोनों में y अपॉन x कैसे बनाओगे, नहीं बन सकता है,
तो जिसे हम नहीं लिख सकते हैं एक्स की पावर दिस जीरो एंड, यानी कि इसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने ध्यान रखना होमोजीनियस फंक्शन क्या है, जब भी आपको चेक करने के लिए आए कि चेक करके बताओ कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, तो आपने ऐसे चेक कर लो चाहे ऐसे चेक कर लो। ठीक है, तो बेटर है कि आप ज्यादा आप ऐसे चेक करो, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई की फॉर्म में। और अगर आपने ये चीज बता दी तो आप बोलोगे गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था सारा आपका होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आपको अब होमोजीनियस फंक्शन क्लियर है तो आ जाओ अब हम करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि अब आपको अंडरस्टैंड करना वो इजी होगा। ठीक है, देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके पहले इसकी मैं डेफिनेशन दे देता हूं तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, इस सेट टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कब, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो होगा इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ढंग से सुनना भी, होमोजीनियस फंक्शन ये आप जब होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री जीरो, ऑफ डिग्री जीरो। ठीक है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कब कहेंगे, जब एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो यहां पर कंपेयर करो तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। पहले तो हम चेक करेंगे ये डिग्री जीरो का होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई विच इज इक्वल टू एक्स इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा एक्स प्लस टू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, अब देखो तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा कॉमन ऊपर एक्स प्लस टू वाई अपॉन लैम्डा कॉमन एक्स माइनस वाई। ठीक है, कट गया, काटना काट दो यार, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर वन इंटू लैम्डा की पावर माइनस वन, तो लैम्डा की पावर जीरो लिख दूं, या ये कट गया, चलो कट गया, तो क्या बचा आपके पास, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या इसे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर जीरो इंटू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं, तो लैम्डा की पावर जीरो इज वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लैम्डा की पावर जीरो ये था क्या मेरे पास, ये देखो क्या था, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो देखो मैंने एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई को इस फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है। लैम्डा की पावर क्या है, जीरो, इसका मतलब दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। ये चीज समझ में आई, तो ये बात कर रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे हम, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री जीरो, ये ध्यान रखना। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन होगा कितना, डिग्री जीरो का, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ में आया। ठीक है, तो जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो ठीक है चेक करना कर लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हमें ऐसे ही लग जाएगा पता कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो जब भी आपने चेक करना है तो ये ध्यान रखना है कि जो भी होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है, पहले तो देखो होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है
तो देखो उसकी डिग्री जीरो आ रही है नहीं आ रही है। अगर डिग्री जीरो आ रही है तो हम बोलेंगे वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ अब करते हैं हम कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, उसका मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूं। ठीक है ओके, देखो डी सॉल्यूशन कैसे करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, लैम्डा के पावर जीरो जी वाई अपॉन एक्स, ये भी तो था ऐसे, मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स की पावर एन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसके लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, यानी कि मुझे पता है, देखो ये इक्वेशन कब सॉल्व होगी, जब ये होमोजेनियस इक्वेशन होगी यानी कि ये। ठीक है, पर एक कंडीशन ये है कि डिग्री जीरो होगी, डिग्री जीरो का मतलब है कि एक्स की पावर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब भी ये सॉल्व होनी है, तो एक्स की पावर जीरो का मतलब वन, यानी कि मैं इसे जी वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो इन केस में क्या करते हैं हम। ठीक है, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। पर एक चीज मैं आपको और बता दूं उससे पहले, करने से पहले, कि देखो ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, हो सकता है कि ये एच ऑफ एक्स अपॉन वाई या जी ऑफ एक्स अपॉन वाई का बन जाए, ये ध्यान रखना। देखो यहां तो वाई अपॉन एक्स बन रहा है, ये एक्स अपॉन वाई बन रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब वाई अपॉन एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, जब डी वाई अपॉन डी एक्स होगा तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, और जब एक्स अपॉन वाई है इसका मतलब ये डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, मैं इसके लिए भी सोल्यूशन बताऊंगा और एग्जाम्पल भी करेंगे, इस पर भी एग्जाम्पल करेंगे, इस पर भी एग्जाम्पल करेंगे, दोनों पर। ठीक है, ये दो ही चीजें आ सकती हैं आपके पास क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं कि जब डी वाई अपॉन डी एक्स है और वाई अपॉन एक्स बन रहा है, बाद में हम करेंगे कि डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा और एक्स अपॉन वाई बनेगा। ठीक है, तो आ जाओ पहले हम कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे आप विद रिस्पेक्ट टू क्या है, डी एक्स है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ v भी वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है, v क्या है, वेरिएबल है, तो वो v x डिफरेंशिएशन मान, तो v प्लस x v की डिफरेंशिएशन करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है ओके, अब आपने इससे क्या करना है, इक्वेशन वन में पुट करना है, कैसे, इक्वेशन टू को पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, जी वाई अपॉन एक्स था, यही था जी वाई अपॉन एक्स, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स, तो यहां क्या लिख दूं मैं, वी एक्स लिख दूं, एक्स एक्स कट गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ v, अब v बाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस v। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन जी ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये चीज आ गई, अब आपने क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेट करने पर आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन जी वी माइनस वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब इसके हम क्या इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास फंक्शन ही दिया तक। ठीक है, जब एग्जाम्पल मैं भी अब आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, वहां पर आके मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, तो आज पहले तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस, यानी कि जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री जीरो का या नहीं। अगर डिग्री जीरो का होमोजीनियस फंक्शन है तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे और वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करेंगे, फिर ये आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करके जो भी सोल्यूशन आएगा एंड में, ठीक है, एंड में जो भी सोल्यूशन आएगा वो वी की फॉर्म में आएगा। ठीक है, वी के फॉर्म में आएगा, तो आपने वहां पर वी की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू y अपॉन x यहां से, ठीक है, क्वेश्चन x और y में, तो आंसर भी x और y में आएगा, तो लास्ट में आपने v की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है। ठीक है, तो ये था आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन,
आज इस पर एक एग्जांपल करते हैं हम पहले, जहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बोलते हैं पहले तो शो करो, शो दैट दिस इज अ डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या शो करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद आपने इसे बताना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ यहां पर dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx क्या जाएगा, x प्लस 2y अपॉन x माइनस y, ठीक है। तो यहां देखो f ऑफ x कॉमा y क्या है, ठीक है, x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। तो इसे होमोजेनियस बताने के लिए क्या निकालोगे, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, नाउ व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y, एंड लैम्डा कॉमन तो x प्लस 2y, ये शायद अभी हमने किया भी था, और लैम्डा कॉमन तो x माइनस y, लैम्डा से लैम्डा कट गया, एंड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इससे क्या मैं लैम्डा की पावर 0 इंटू दिस लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या गया, लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो देखो ये लेके चला मैंने ये बता दिया, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। इसका मतलब हम इससे अब हम सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, मैं सर आप कर देता हूं। होमोजीनियस तो हमने बता दिया, एक पार्ट हो चुका, अब इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले हमने क्या करना है, जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इसकी फॉर्म में लिखना है, इसकी फॉर्म में हमने इसे लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया तो क्या आएगा, वन प्लस टू वाई अपॉन एक्स, यही आएगा, और नीचे से एक्स कॉमन लिया तो क्या आएगा, वन माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया, एंड विच इज इक्वल टू वन प्लस टू वाई अपॉन एक्स एंड वन माइनस वाई अपॉन एक्स। देखो जी ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में हम इसे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, आप ऐसे भी बता सकते हो, लग गया पता। अब हमने क्या करना है इसे सॉल्व करने के लिए, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वाई अपॉन एक्स है ना, तो वी इज इक्वल टू वाई एक्स पुट कर रहे हैं, सॉरी वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस वैल्यू को लो और यहां पर सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू क्या थी मेरे पास, वी एक्स, टू वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। आ जाओ तो देखो यहां पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स क्या जाएगा, x ऊपर से कॉमन तो 1 प्लस 2v, एंड x नीचे से कॉमन तो 1 माइनस वी, एक्स एक्स कट गया, तो x डी वी अपॉन डी एक्स क्या आ गया, इस v को वहां ले जाओ, तो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करो और x और v वाई टर्म्स को अलग कर, ठीक है, जो कि हम पीछे कर चुके हैं इस टाइप के, ये चीज नहीं है कि ये चीज आई ये चीज आई, ठीक है। आगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो हमने किया है, ठीक है, क्योंकि अब ये देखो क्या, पहले इसको कर लेते हैं, दिस इज वन प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी, एंड एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन अपॉन वन माइनस वी। अब देखो ये जो चीज हम कर चुके हैं, टू वेरिएबल बन रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था, ठीक है। यहां पर नया क्या जुड़ा है, इस क्वेश्चन में नया जुड़ा है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, यहां से आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, यहां तक अलग है,
पर ये जो आगे आ रहा है मेरे पास, ये चीज बन रही है, इसके आगे वही सॉल्यूशन जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो यहाँ पे वेरिएबल अलग कर लो, तो क्या जाएगा, वन माइनस वी अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, यही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था इसमें, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा प्लस सी, ये चीज आई समझ में, ठीक है। आ जाओ अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो इसे इंटीग्रेट करना है तो ये रफ काम आ गया, ठीक है, मैं इसे रफ कर दूं, ठीक है, जगह काम है। तो देखो ये चीज सॉल्व हो जाएगी, हमें ये चीज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस वन इज इक्वल टू पी पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या रहेगा, टू वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी पी, यानी कि मुझे क्या चाहिए ऊपर, टू वी प्लस वन चाहिए। तो पहले से टर्म को पॉजिटिव कर लो, वी को पॉजिटिव बना लो, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, वी माइनस वन हो गया, और नीचे वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। अब देखो मुझे क्या चाहिए, टू वी प्लस वन चाहिए, ठीक है, इस माइनस को ऐसे करो यहां ले जाओ, ठीक है, ताकि ज्यादा मुश्किल ना हो, टू वी चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो पहले को, ठीक है। देखो ये इंटीग्रेशन ये आप भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, ठीक है, अलग अलग मेथड है। तो ये आगे मेरे पास टू वी माइनस टू अपॉन वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस वन डी वी इंटीग्रेशन और वन बाय टू बाहर, ऊपर बाय टू से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, टू वी प्लस वन, यहाँ प्लस वन चाहिए, ठीक है, प्लस वन चाहिए, तो मैं यहां पर अगर मैं प्लस थ्री कर दूं, प्लस वन कर दूं, माइनस वन कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, वन बाय टू टू वी, ये प्लस वन पहले लिख लिया मैंने, प्लस वन किया माइनस वन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वन पहले लिखा और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया, नीचे क्या गया, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहां पे से अलग कर लो, वन बाय टू इंटरग्रेशन ऑफ टू वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी एंड माइनस थ्री को कॉमन ले लिया, तो डी वी अपॉन वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। अब इसकी इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसी हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इसमें मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वी का हाफ को वन बाय टू, तो वन बाय फोर एड और वन बाय फोर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, देखो वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ टू वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, देखो आपकी मर्जी जैसे मर्जी करो इंटीग्रेशन, थ्री कॉमन और डी वी अपॉन, ये आ जाएगा मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है, दिस इज वी प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर एंड वन माइनस वन बाय फोर थ्री बाय फोर, तो प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड विच इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, अब सबकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है, ओके ये रफ कर देता हूं क्योंकि ये हम कर चुके हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी तो है, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा मेरे पास, वन बाय टू इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ठीक है, माइनस थ्री इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स होती है, तो वन बाय ए, तो वन बाय ए टेन इनवर्स वी प्लस वन बाय टू अपॉन, दिस इज वन बाय टू अपॉन अंडर रूट थ्री बाय टू एंड विच इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ओके ये चीज समझ में आ गई, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे, ये वन बाय टू,
यहां पर है तो यहां पर दोनों के साथ आएगा टू, ब्रैकेट लगाइए ना, ब्रैकेट ओपन कर दी तो यहां टू, यहां पर भी आना था तो 3/2, ये 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया 1/2 log of v square plus v plus 1 minus under root 3 tan inverse 2v plus 1 upon under root 3 is equal to minus log x plus c। ओके, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब ऐसे करो, इस 2 से मल्टी लॉग वाई टर्म्स इकट्ठे कर लो और ऐसे कर लो, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, लॉग वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 टेन इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, 2 LCM लिया पहले, यहां पर सॉल्व हो गया जो नीचे 2 आएगा पहले तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या जाएगा, लॉग वाई टर्म्स इकट्ठी करना, लॉग बी स्क्वेयर प्लस बी प्लस 1 माइनस 2, नॉट माइनस, इसको यहां ले गया तो प्लस 2 लॉग एक्स, और इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है, लॉग वाई टर्म्स इकट्ठी और दूसरी टर्म्स इकट्ठी कर दी मैंने, 2v + 1 बाय अंडर रूट 3। देखो आप स्टेप्स यहां पर कई स्टेप्स जंप भी कर सकते हो, ठीक है, कई स्टेप्स आप यहां जंप कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया, अब देखो ये 2 को मैं इसे एक्स के लिख लूं, ऐसे और लिख सकते हैं ऐसे, तो ये इकट्ठा कर दो क्या जाएगा, लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर, ऐसे इकट्ठा हो गया, एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टेन इनवर्स 2v + 1 अपॉन अंडर रूट 3 + c, ये सोल्यूशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी एक्स नहीं होगा, तो पुट कर दो वी की वैल्यू, देखो वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था तो y अपॉन x क्या जाएगा, v की वैल्यू, तो log ऑफ क्या जाएगा, v की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2y अपॉन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 + c, ये आ गया, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूं, लास्ट स्टेप अब, ठीक है, देखो थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी तो है, तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ एलसीएम लिया क्या जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये एक्स स्क्वेयर जो एलसीएम आएगा इससे कट जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 2√3 टेन इनवर्स, या नीचे लिख दूं ऐसे, इज इक्वल टू 2√3 टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, 2y + x अपॉन अंडर रूट 3x + c, ठीक है, वाई स्क्वेयर एक्स वाई, एंड ठीक है, ये चीज आई समझ में यार। यहां पर आपने 2 लिया था तो 2 तो जब यहां मल्टीप्लाई तो 2 तो यहां भी आना था, ये ठीक है, तो ये 2c को आप मान लो, या इसे c1 कर लेना, इसे c1 कर लो और एंड में से ये मान लो, वेयर 2c1 इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये आपके पास आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन, ये चीज समझ में आई, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, आया समझ में, ठीक है। आ जाओ अब हम दूसरी टाइप करते हैं, dx अपॉन dy वाली, ये तो dy अपॉन dx की, अभी dx अपॉन dy वाली टाइप करते हैं हम, ठीक है। देखो अगर अब मेरे पास है मान लो dx अपॉन dy टाइप, dx अपॉन dy इज इक्वल टू h ऑफ x अपॉन y आता है, तो इस टाइप का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो यहां पर जब भी dx अपॉन dy आएगा तो हम x इज इक्वल टू vy पुट करेंगे। जब dy अपॉन dx था, जब dy अपॉन dx था तो हम y इज इक्वल टू vx पुट कर रहे हैं, अब जब मेरे पास dx अपॉन dy है तो हम x इज इक्वल टू vy सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। आ जाओ इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, नीचे क्या है वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे वाई, ये आ जाएगा मेरे पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy, ये वैल्यू लो उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह आ जाएगा मेरे पास वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एच ऑफ वी, ये आ जाएगा ठीक है। नाउ वाई डी वी अपॉन डी वाई, वी वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो माइनस वी, देन डी वी अपॉन एच ऑफ वी माइनस वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आएगा। और लास्ट में आपने यहां पर वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जो कि क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी वी की वैल्यू ठीक है, एक्स अपॉन वाई एंड में ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आ जाओ इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। तो यहां से आपको दोनों टाइप क्लियर जाएंगे ठीक है, वहां से आप एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो विदाउट इंटीग्रेशन ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आपकी परफेक्ट है तो ये क्वेश्चन होंगे ठीक है। मैंने तो बहुत लेंथी किया ठीक है, क्योंकि वो आपको मैंने समझाना था ठीक है। लेकिन जब आप करोगे तो कई स्टेप्स आपके जंप होंगे, मे बी 5 to 6 steps ऐसे कर जाएंगे ठीक है, तो वो थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन 2y e की पावर x अपॉन y डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e की पावर x अपॉन y डी वाई इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब यहां से मुझे डी वाई अपॉन एक्स मुझे कैसे लगेगा पता कि मुझे एक्स अपॉन वाई चाहिए वाई अपॉन एक्स चाहिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपके पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ये ठीक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्स अपॉन वाई तो एक्स अपॉन वाई रहेगी, वाई अपॉन एक्स तो वाई अपॉन एक्स रहेगी ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई है अंदर ठीक है, इनवर्स फंक्शन के साथ, इनवर्स फंक्शन के साथ ठीक है, लॉग के साथ ठीक है, इनके साथ आपके क्या वैल्यूज दी हैं। अगर एक्स अपॉन वाई दिया तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना पड़ेगा ठीक है, अगर डी वाई अपॉन, अगर वाई अपॉन एक्स दिया है तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो आपको मेन चीज डिपेंड करती है कि यहां पर ये चीज क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा ठीक है। ये चीज आई समझ में ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल्स की पावर क्या है ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर क्या है, इनवर्स फंक्शन की पावर क्या है, लॉग जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उनके साथ क्या है, एक्स अपॉन वाई है तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो ठीक है, अगर वाई अपॉन एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के साथ एक्स अपॉन वाई है तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, अगर वाई अपॉन एक्स है तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या दिया है, पावर एक्स अपॉन वाई, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो आ जाओ डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं, ये आ गया ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू ठीक है क्या जाएगा, माइनस वाई माइनस 2x e की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल दो, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या जाएगा इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x e की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर एक्स अपॉन वाई ठीक है। अब बात आती है पहले हमें चेक करना है ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है ऑफ डिग्री 0। तो आ जाओ क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा ठीक है। देखो ना यहां पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया क्या है, 2x e की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर एक्स अपॉन वाई, ये दिया है ठीक है। तो क्या जाएगा, 2x इज लैम्डा एक्स e की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई अपॉन 2 लैम्डा वाई e की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, पावर में लैम्डा कट गया तो क्या आ गया, यहां से लैम्डा कॉमन, 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई, नीचे से लैम्डा कॉमन, 2y e की पावर x अपॉन वाई, लैम्डा से लैम्डा कट गया एंड विच इज इक्वल टू क्या बचा, ये f ऑफ x y बचा और लैम्डा की पावर क्या बचा, 0, ये f ऑफ x y ही है। तो ये चीज या मैंने बता दी इसके इक्वल है ठीक है, लैम्डा की पावर 0 है तो ये क्या है, डिग्री कितनी है, 0। तो दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 ठीक है। तो पहला काम तो खत्म हो गया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 0 है,
इसका मतलब हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो मेरे पास क्वेश्चन बना है ये किस टाइप का बना है, जी ऑफ एक्स अपॉन वाई टाइप का बना है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। ये वैल्यू लो, ठीक है, इसको उठाओ और इसे सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है। यहां पर कहां पर, इस सिचुएशन में वन में इसे यहां पर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या जाएगा, वी वाई e की पावर एक्स की जगह क्या जाएगा, वी वाई अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन टू वाई ई की पावर वी वाई अपॉन वाई, वाई से वाई, वाई से वाई कट गया। तो देखो क्या आ गया मेरे पास, वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई कॉमन है ऊपर तो टू वी ई की पावर वी बचा, माइनस वन अपॉन टू वाई ई की पावर वी, वाई से वाई कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टू वी ई की पावर वी माइनस वन अपॉन टू ई की पावर वी, ये वी वहां चला गया था माइनस हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टू वी ई की पावर वी माइनस वन माइनस टू वी ई की पावर वी अपॉन टू ई की पावर वी, ये दोनों कट गए, तो वाई डी वी अपॉन डी वाई क्या आया मेरे पास, माइनस वन अपॉन टू ई की पावर वी, ये चीज आ रही है, ठीक है। तो देखो अब अलग कर लो वेरिएबल्स, क्या जाएगा, टू ई की पावर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस वाई नॉट वाई माइनस डी वाई अपॉन वाई, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ये प्लस सी हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, टू ई की पावर वी, ये तो यही रहेगा, एंड विच इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी, ये चीज आ गई, ठीक है, ये आया समझ में, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया इसमें, टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू क्या आपके पास, वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, तो टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, सबसे पहले पूछा था कि आपने शो करना कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हमने शो कर दिया, उसके बाद लिखा था कि आपने इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, निकाल लिया, उसके बाद बोला कि आपने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, कंडीशन दी थी व्हेन एक्स जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, एक्स जीरो और वाई वन होगा तब आपने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना था, तो ठीक है। क्वेश्चन पूरा ये था कि शो दैट दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है, जब एक्स जीरो होगा और वाई वन होगा, तो ये तो मेरे पास जनरल सोल्यूशन आ गया जो कि खत्म हो चुका है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन करना है तो एक्स तो मतलब सी निकालना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, टू ई की पावर जीरो अपॉन वन जीरो इज इक्वल टू माइनस लॉग वन प्लस सी, तो ये तो आ जाएगा मेरे पास टू, ये आ जाएगा सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई टू, उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ना, यहां पर नहीं करनी है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यहां पर करना है, तो टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस टू, तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, दिस इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन कब निकलते हैं, जब आपके पास कंडीशन दी होती है, ये तो आपके पास सी आ रहा था तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ रहा था, जब कंडीशन दी है वहां से सी की वैल्यू निकल गई तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आया समझ, कि dy अपॉन dx होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे,
और डी एक्स अपॉन डी वाई होगा तो हम उन्हें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर कर दी। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है।